हेलो एवरीवन, बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है नेवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी से। और ये वैकेंसी 2024-25 एकेडमिक ईयर के लिए है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पर जो टीचर्स होते हैं, यदि उनका वर्क अच्छा रहता है तो परमानेंट भी कर दिए जाते हैं। एज यहाँ पर 21 से 50 वर्ष रखी गई है। सभी राज्यों के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट सीटेट पास स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए, बाकी चीज़ें हम डिटेल में नोटिफिकेशन में देखेंगे। एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दिया हुआ है। मेन वेबसाइट है नेवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी से, यहां से वैकेंसी है। और यहां पर होम पेज पर ही वैकेंसी सेक्शन आपको दिखेगा, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये जो है 6 पेजों की पीडीएफ फाइल है, जिसमें सबसे ऊपर दिया हुआ है पूरा एडवर्टीजमेंट और लास्ट में दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्मेट, जिसे आपको फिल करना है। फिल करके अपने डॉक्यूमेंट के साथ में ईमेल कर देना है या फिर आप लोगों को स्कूल में जाकर सबमिट करवा देना है। ठीक है, तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कि कई सालों से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनका काम अच्छा रहा है तो उनको परमानेंट भी कर दिया गया है। और पीआरटी का जो टीचर्स हैं यहाँ पर, जो कि मेरी जानकारी में है, तो उनको 40,000 जो है यहाँ पर सैलरी मिल रही है। तो आप टीजीटी और पीजीटी का तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इससे अधिक जो है वो सैलरी मिलेगी। तो चलिए, सबसे पहले जो है सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट ज्योग्राफी की वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की वैकेंसी है, टीजीटी साइंस की वैकेंसी है, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस की है, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी है, डांस इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, उसके बाद म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है। तो ये जो है वैकेंसी यहाँ पर आई है। तो यदि आप यहाँ पर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ क्वालिफिकेशन जो है वो बिल्कुल अच्छे से देखिए, अप्लाई कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें समझें। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पर आपके पास मास्टर डिग्री में होने चाहिए 55% मार्क्स, साथ में आपके पास बीएड में 50% मार्क्स यहाँ होने चाहिए। और जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपने रेगुलर, ठीक है, रेगुलर आपने पढ़ाई की है, सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल में भी जो है आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो, ये कंडीशन यहाँ पर अगर आप फुलफिल करते हैं, और 21 से लेकर 50 साल जो है वो उम्र रखी गई है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। चाहे आप पीजीटी ज्योग्राफी के लिए अप्लाई करें या फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद जो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए यहाँ पर कहा है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साइंस के स्टूडेंट की बीएससी डिग्री मांगी गई है रेगुलर। प्राइवेट जिन्होंने किया है वो यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पर कंपलसरी नहीं है एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको जो है यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी। तो रेगुलर जो है डिग्री आपकी मांगी गई है 60% मार्क्स के साथ, स्नातक में बैचलर डिग्री बीएड होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, आपने सब्जेक्ट जो है सीनियर सेकेंडरी 12th क्लास में आपने इसे पढ़ा हो, 21 से 50 साल यहाँ उम्र रखी गई है। उसके बाद टीजीटी सोशल साइंस के लिए जो है यहाँ कहा है बीए डिग्री होनी चाहिए रेगुलर 60% मार्क्स, 50% मार्क्स आपके बीएड होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी में आपने सोशल साइंस पढ़ा हो। सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, आपने 12th क्लास में एज अ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो। 21 से 50 वर्ष आपकी उम्र यहाँ पर कही गई है। यहाँ लिखा है कि ऐसे जो कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगी जो कि मास्टर डिग्री, अगर टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं और जिन्होंने मास्टर डिग्री किया हुआ है, तो ऐसे कैंडिडेट को प्रेफरेंस यहाँ पर मिलेगी, प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी, और जिनके पास एक्सपीरियंस है तो उनको भी, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेशर बिल्कुल यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर पीआरटी के लिए यहाँ पर 12th नहीं बल्कि बैचलर डिग्री चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। तो ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि प्राइमरी टीचर्स के लिए 12th के साथ में डिप्लोमा कहा जाता है, बट यहाँ पर बैचलर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में और बीएड मांगा गया है, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड मांगा गया है, रेगुलर कोर्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, 21 से 50 वर्ष जो है उम्र यहाँ पर रखी गई है। डांस इंस्ट्रक्टर के लिए बैचलर डिग्री डांस में 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, या फिर आपने किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी से भी की हो, लेकिन आपके पास डिप्लोमा अगर डांस का है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। म्यूजिक टीचर के लिए जो है बैचलर डिग्री इन म्यूजिक में
55% मार्क्स के साथ में, या फिर ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में और डिप्लोमा आपका म्यूजिक में। तो ये जो है कंप्लीट जानकारी थी, क्वालिफिकेशन एज सारी बातें हमने कर ली हैं। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को मेन वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर वैकेंसी सेक्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है विज्ञापन आ जाएगा। सबसे नीचे आप लोगों को मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्मेट, इसे आप डाउनलोड कर लेंगे, फिल कर लेंगे। उसके बाद जो है आप लोगों को ये पढ़ना है, ठीक है। तो फॉर्म आपको यहाँ पर मिलेगा इस साइट पर, इसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि 100 रुपये एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ में और 100 रुपये साथ में अपने डॉक्यूमेंट के साथ में स्कूल में जाकर सबमिट करवा दें 20 नवंबर 2023 से पहले। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आप दूर रहते हैं और आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, ये 100 रुपये जो हैं आप लोगों को ट्रांसफ़र करने हैं स्कूल का जो बैंक अकाउंट है इसके नाम, नेवी चिल्ड्रन स्कूल अकाउंट नंबर ये दिया हुआ है, IFSC कोड दिया हुआ है, तो इस पर 100 रुपये जो है वो आप भेज देंगे। अपने मोबाइल से ही ये काम कर सकते हैं। उसके बाद जो है स्कैन करनी है आपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, एप्लीकेशन फॉर्मेट है, और आप लोगों को ईमेल कर देना है। जो भी दूर रहते हैं स्टूडेंट उनके लिए ये है, ठीक है। तो आप लोगों को इस पर जो है ईमेल कर देना है 20 नवंबर 2023 से पहले। तो दो तरीके हैं आप लोगों के यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भेजने के। अब जो है यहाँ पर सिलेक्शन कैसे रहेगा, तो काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी टीचर्स को ही जो है यहाँ पर 40,000 यहाँ पर सैलरी मिलेगी। तो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को, उसके बाद जो है होगा आपका रिटन टेस्ट, आपके सब्जेक्ट से संबंधित ही क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट जो है इंटरव्यू रहेगा, उसके बाद एक डेमो क्लास रहेगी। और इसका इसकी जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन आपको या तो टेलीफोन के द्वारा मिलेगी या फिर आप लोगों को ईमेल आएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म में जो है ईमेल एड्रेस और टेलीफोन नंबर जो है वो जरूर आप लोग लिखें। तो ये सारी कंडीशन जो कि मैंने आपको बता दी है, और काफ़ी अच्छा स्कूल है नेवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी दिल्ली, और मेरी जानकारी में यहाँ टीचर्स हैं जो कि काफ़ी टाइम से यहाँ पर बने हुए हैं, और काफ़ी अच्छी सैलरी जो है यहाँ मिलती है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।